उत्तर प्रदेश के अयोध्या का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए भगवान महाकाल की नगरी उज्जैन तैयार है। हमारे साथ उज्जैन के कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम जी है। सर, अयोध्या का रिकॉर्ड किस तरीके से तोड़ा जाएगा और क्या तैयारी उज्जैन में चल रही है फिलहाल? देखिए, ये कोई प्रतिद्वंदिता नहीं है, बस ये है कि हम अपने समर्पण भाव से इस कार्यक्रम को मना रहे हैं। कहीं कोई कॉम्पिटिशन का इरादा नहीं है, चूँकि शहर की ये इच्छा है कि हम 21 लाख दीपक लगाएं, और अगर इसमें अगर कोई रिकॉर्ड बनता है तो निश्चित तौर पे सोने में सुहागा है। महाकाल की नगरी में इस आयोजन का सौभाग्य शहर के लोगों को मिला है। 21 लाख दीपक लगाने की सारी तैयारी है और निश्चित तौर पे बहुत ही भव्य और सफल कार्यक्रम होगा। सर, चूंकि महाशिवरात्रि का पर्व है, इतनी बड़ी संख्या में दीपक केवल दीपावली पे लगते हैं, तो क्या महाकाल की नगरी में महाशिवरात्रि पर्व पर दीपावली मनने जा रही है? निश्चित तौर पे यह शिव दीपावली है। महाशिवरात्रि अपने आप में बहुत ही पुनीत पर्व है, और जैसा कि आपको विदित है, शास्त्रों में ये उल्लेखित है कि भगवान शिव और माँ पार्वती की शादी का समारोह होता है ये, और उस समय ये दीपक जलाना, अपनी खुशी व्यक्त करना है, तो और उनके सेवा में ये दीपक अर्पण होगा, तो निश्चित तौर पे ये भव्य कार्यक्रम होगा। सर, कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ा इतने बड़ी संख्या में दीपक एकत्रित करना, वॉलंटियर्स एकत्रित करना, किस तरीके से इतनी बड़ी तैयारी को मूर्त रूप दिया जाए? देखिए, इसमें चैलेंज सबसे बड़ा ये है कि उसी दिन महाशिवरात्रि है और लगभग 10 लाख लोगों के आने की संभावना है। दोनों परिसर आसपास ही हैं और 20,000 वॉलंटियर्स को स्वप्रेरणा से इकट्ठा करना, ये शहर के लोगों की तासीर है कि ऐसे कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं, तभी जाके कार्यक्रम संभव हो सकेगा। भगवान शिव का विवाह है, महाकाल का विवाह है, ऐसी स्थिति में भगवान महाकाल की नगरी उज्जैन में दीपावली मनने जा रही है, शिव दीपावली मनने जा रही है, इसे लेकर पूरी तैयारियां हो चुकी है। विक्रम सिंह जाट, ABP News, उज्जैन।